दिल्ली का बारिश से बुरा हाल, सड़कें बनी दरिया। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आज सुबह से ही आकाश में बादल छाए हुए हैं। कुछ हिस्सों में बारिश भी शुरू हो गई है। इससे पहले सोमवार को रक्षाबंधन के दिन काफी उमस रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था और वहीं पर न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चलने की जगह सड़कों पर तैरी ऑटो। लगातार हो रही तेज बारिश में मिंटो ब्रिज के नीचे से ऑटो रिक्शा लेकर जा रहे मुनील महतो का ऑटो बारिश के बाद हुए जलभराव में आधा डूब गया। उसके बाद ऑटो चालक महतो को भरे पानी में ऑटो छोड़कर बाहर आना पड़ा, जिसके बाद पानी के तेज खिंचाव की वजह से रिक्शा देखते ही देखते पुल के अंदर की ओर गहरे पानी की तरफ चला गया। स्कूल और ऑफिस जाना हुआ दुर्लभ। मंगलवार को दिल्ली के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। 3 दिन की छुट्टियों के बाद मंगलवार को स्कूल और ऑफिस खुले हैं और ऐसे में ऑफिस पहुंचने वालों के लिए बारिश राहत से ज़्यादा आफत लेकर आई है, क्योंकि सड़कों पर जगह जगह जलभराव हो गया है, जिससे ट्रैफिक जाम की संभावना बनी हुई है। वहीं जल जमाव के कारण दिल्ली पुलिस ने वाहन चालकों को रोहतक रोड पर जाने से बचने की सलाह दी है। आपको बता दें कि वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD का कहना है कि मंगलवार को दिन में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। दिल्ली का नेवर एंडिंग मॉनसून। IMD के अनुसार कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पश्चिम मध्य और दक्षिण पूर्व दिल्ली के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हुई है। विभाग ने कहा है कि पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा में सुबह 5:30 से 7:45 के बीच 27 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में 55.5 मिलीमीटर और नजफगढ़ में 34.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान नरेला में 15.5 मिलीमीटर और लोधी रोड पर 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।